हार्दिक पांड्या के एक दांव के आगे फेल हुई धोनी की कप्तानी। धड़कन रोक देने वाले मुकाबले में गुजरात ने सीएसके को दी मात। आईपीएल का शानदार आगाज, बीच मैदान अरिजीत सिंह ने छुए माही के पैर, पांड्या ने दिखाई बेरुखी। शुभमन गिल का खतरनाक फॉर्म जारी, गुजरात की कहानी सेट है, धोनी को बनाना होगा प्लान बी। नाच गाने के बीच आईपीएल से बॉलीवुड का बॉयकॉट भी आया नजर, देखिए हर वो पल जो बन गया खास। इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन का आगाज जिस शानदार ढंग से हुआ है उससे इतना तो तय है कि अंत भी बेहतरीन होगा। मैच में जहां एक और दोनों टीमों के बीच कांटे की जंग हुई, वहीं उद्घाटन समारोह में डांस सॉन्ग और मस्ती की ऐसी पाठशाला लगी कि गूंज पूरे देश में सुनाई दी। आईपीएल से बॉलीवुड का बहिष्कार ऐसे किया जाएगा किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन अरिजीत ने बीच मैदान धोनी के पैरों में गिरकर जरूर सबका दिल जीत लिया। आईपीएल के पहले मैच के पर्दे के पीछे की स्टोरी आपको बताएंगे, लेकिन पहले मुकाबले में क्या हुआ वो सुन लीजिए। उद्घाटन मुकाबला गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये भिड़ंत हुई, जहां मेजबान कप्तान हार्दिक पांड्या की ओर से टॉस जीतने के बाद चेन्नई को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता मिला। ऋतुराज गायकवाड़ की तूफानी पारी के बूते सीएसके ने 7 विकेट के नुकसान पर 178 रन जोड़ लिए, जिसके जवाब में गुजरात की टीम 5 विकेट शेष रहते आखिरी ओवर में रोमांचक अंदाज में जीत गई। हालांकि इस जीत में हार्दिक पांड्या के एक फैसले की बेहद अहम भूमिका रही। टॉस हारने के बाद जब चेन्नई सुपर किंग मैदान पर उतरी तो ऋतुराज गायकवाड़ की बेहतरीन फॉर्म का मुजाहरा इस बार भी नजर आया। इस खिलाड़ी ने दूसरे छोर पर लगातार विकेट गिरने के बावजूद मात्र 50 गेंदों के भीतर 92 रन जोड़ लिए, जिसमें 4 चौके और 9 शानदार छक्के शामिल थे। गायकवाड़ के अलावा कोई भी चेन्नई का बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने में कामयाब नहीं हुआ। 179 रनों का लक्ष्य सामने देखते हुए गुजरात की ओर से भी धमाकेदार शुरुआत हुई। ओपनिंग करने के लिए आए रिद्धिमान साहा ने पहली गेंद से ही गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू किया। दूसरे छोर पर शुभमन गिल ने भी उन्हीं के रंग में बड़े शॉट लगाए। मात्र 3.5 ओवरों में इस जोड़ी ने 37 रन जोड़ लिए थे। हालांकि इसके बाद साहा आउट हो गए। केन विलियमसन को रिप्लेस कर इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खेलने आए साई सुदर्शन ने गिल के साथ 63 रनों की साझेदारी करके गुजरात को मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया। 90 रन पर उनका विकेट गिरा तो अगले 21 रनों के भीतर कप्तान हार्दिक भी पवेलियन लौट गए। यहां से विजय शंकर के साथ गिल ने पारी को दोबारा पटरी पर लाना शुरू किया, लेकिन वो जडेजा के हाथों बोल्ड हुए। अंत में विजय शंकर और राहुल तेवतिया ने अहम साझेदारी की और राशिद खान ने ताबड़तोड़ अंदाज में गुजरात को जीत की दहलीज के पार पहुंचाया। गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में सभी को चौंकाते हुए विजय शंकर को प्लेइंग 11 में खिलाने का फैसला लिए थे। उन्होंने अंत में आकर 21 गेंदों में 27 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। मैच से पहले उनके टीम में शामिल होने पर सवालिया निशान था, क्योंकि आईपीएल के इतिहास में विजय शंकर कुछ खास नहीं कर पाए थे। कप्तान हार्दिक ने फिर भी उन पर भरोसा जताया। आईपीएल के उद्घाटन समारोह ने भी पूरे देश में सुर्खियां बटोरी हैं। मैदान पर जहां मंदिरा बेदी ने ओपनिंग सेरेमनी को होस्ट किया, वहीं सिंगर अरिजीत सिंह, एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया और रश्मिका मंदाना ने सेरेमनी में धमाकेदार परफॉर्मेंस दी। सिंगर अरिजीत सिंह ने मैदान पर धोनी के पैर छुए तो हर ओर इसकी तस्वीरें वायरल हो गयी। साउथ इंडियन एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने श्री बल्ली, नाटू नाटू और ढोलेडा जैसे गानों पर डांस परफॉर्मेंस दी। उनसे पहले एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने 5 मिनट तक तूने मारी एंट्रियां और चौगाड़ा तारा जैसे गानों पर डांस किया। मैदान पर बॉलीवुड के बजाय साउथ की हीरोइंस को तवज्जो मिलने से बॉलीवुड को एक संदेश साफ तौर पर जरूर गया है, आने वाले समय में फिल्मों की ताकत साउथ की ओर जा रही है। टूर्नामेंट के होम और अबे फॉर्मेट में होने के चलते सभी 10 टीमों के कप्तान ओपनिंग सेरेमनी में शामिल नहीं हुए। गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या और चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ही सेरेमनी में मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।